हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस इंटीरियर डेकोर स्टाइल के बारे में बताने जा रही हूँ, वो मुझे सबसे ज्यादा कोजी और होमली फीलिंग देने वाला डिजाइन लगता है। मतलब एक कंट्री स्टाइल भी है पर इसमें मॉडर्न टचेस भी है। तो आप ना तो पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक में जाएंगे, ना ही पूरा का पूरा मॉडर्न एलिमेंट्स में। मॉडर्न एलिमेंट्स आर मोर अबाउट स्ट्रेट लाइंस, मॉडर्न स्टाइल फर्नीचर एंड सेटिंग्स। बट इस पर्टिकुलर डिजाइन स्टाइल में आपको एक बड़ी ही रिलैक्स्ड फीलिंग आती है। मॉडर्न कंट्री डेकोर स्टाइल ना मिनिमल नोट्स के साथ ज्यादा प्लेफुल और नुआंस्ड एस्पेक्ट्स ट्राई आउट करने की आपको फ्रीडम देता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसमें यूज होने वाले एलिमेंट्स की। कोई भी मॉडर्न कंट्री स्टाइल वुडन एलिमेंट्स के बिना पूरा नहीं होता है। इसमें इंक्लूडेड है एक्सपोज बीम्स, वुडन पैनलिंग एंड ओरिजिनल वुडन फ्लोर बोर्ड्स। अगर आपका बजट कम है तो लकड़ी की पैनलिंग की तरह दिखने वाली वुडन वॉलपेपर का भी यूज कर सकते हैं आप। एंट्री वे के लिए बार्न स्टाइल डोर्स एंड इसी से मिलते जुलते अपने कैबिनेट्स के डोर्स भी आप बनवा सकते हैं। फर्नीचर शुड बी ट्रेडिशनल स्टाइल क्लासिक वुडन। घर के अराउंड ऑर्गेनिक मटेरियल से बने एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं आप फॉर स्टोरेज एंड डेकोरेशन पर्पसेस लाइक विकर बास्केट्स। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है वो है स्टाइल में सिंप्लिसिटी और मिसमैचिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करने का। और इनके साथ जो इनको एक साथ आप जब लेकर आएंगे ना तो एक मास्टरपीस बना सकते हैं। अगर हम बात करें सिंप्लिसिटी की तो न्यूट्रल कलर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें। नेचुरल ह्यूज एंड म्यूटेड टोन्स फॉर वार्म एंड वेलकमिंग फील। सिंप्लिसिटी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रूम में मौजूद हर चीज का एक पर्पस होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए। ओपन डिस्प्ले या ग्लास फ्रंटेड कैबिनेट्स का इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि आपके अक्सर इस्तेमाल आने वाली चीजें आपको आसानी से एक्सेस में भी रहेंगी और वो एक अच्छा कंट्री लुक भी आपको देगा। अब बात करते हैं मिसमैच्ड एलिमेंट्स की। इस डिजाइन की एक और खास बात यह है कि इसमें सिमेट्री नहीं चाहिए, आपका फर्नीचर मिसमैच्ड होना चाहिए। रूम ऐसा लगना चाहिए कि बहुत सारे अलग अलग दिखने वाले फर्नीचर को एक साथ रख दिया है, दैट वर्क्स विद ईच अदर नेचुरली। मॉडर्न कंट्री डेकोर की एक और खास बात यह है कि आपका फर्नीचर थोड़ा रस्टिक और विंटेज होना चाहिए। बेसिकली ऐसा लगना चाहिए कि आपका फर्नीचर पीढ़ियों से आपकी फैमिली का हिस्सा है और आपके फर्नीचर में एक तरह का कैरेक्टर है। ऐसा फर्नीचर आपको फ्ली मार्केट्स और थ्रिफ्ट स्टोर्स पर मिल जाएगा। ऐसी चीजों को अवॉइड करें जो नई लग रही हो और ये आपकी कॉस्टिंग के हिसाब से भी आपको काफी सस्ता पड़ेगा। इनफैक्ट डोर नॉब्स और हैंडल्स भी मिसमैच्ड यूज कर सकते हैं अपने किचन यूनिट्स में एंड इट विल ऐड अ बिट ऑफ फन एंड कैरेक्टर टू योर डेकोर। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो बात यह है कि आपका फर्नीचर जितना ज्यादा डेंटेड, नॉटेड, स्क्रैचेस और स्क्रेप्स से भरा हुआ होगा ना, उतना ही इसका एज ओल्ड लुक आएगा और वही इस डेकोर स्टाइल का एसेंस है। बेसिकली आपके पीसेस जितने वेल यूज्ड लगेंगे उतना और बेहतर है। मॉडर्न कंट्री होम डेकोर का सबसे इंपॉर्टेंट बेसलाइन है प्रैक्टिकलिटी। बेसिकली हर सामान का एक प्रैक्टिकल यूज होना चाहिए। बड़े बड़े पीसेज ऑफ फर्नीचर एंड क्रॉकरी दैट हैव प्लेंटी ऑफ स्टोरेज प्लेस एंड दे विल वर्क एज योर डेकोरेटिव्स टू, जैसे कि आपके कुकिंग पॉट्स, डिस्प्ले क्रॉकरी, बिग विंटेज स्टाइल ट्रंक्स एक्सेट्रा। आपके सराउंडिंग्स में कंट्री फीलिंग आए इसके लिए जरूरी है वार्मथ एंड कोजीनेस, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वार्म लाइट्स, सोफास पर कोजी निटेड ब्लैंकेट्स, वार्म कलर्स ऑफ रग्स, किचन के लिए सनी ब्राइट कलर्स। और अगर आपको कोई पुराना फर्नीचर है दैट नीड्स टू बी रीपेंटेड तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको किसी ब्राइट कलर जैसे कि ब्राइट रेड या डीप ब्लू कलर में पेंट करें, वो काफी स्टैंड आउट करेगा। बाकी आपको मिनिमली एक्सेसराइज करना है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इनफैक्ट लोकल फ्ली मार्केट्स के अलावा आप DIY प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे बॉटल्स को रिसाइकिल करके प्लांटर्स बनाना, फ्रूट ट्रेस एंड स्टोरेज यूनिट्स बनाना। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी कुछ टिप्स टू ट्रांसफॉर्म योर हाउस इनटू अ मॉडर्न कंट्री हाउस दैट इज फुल ऑफ वार्म, कोजी एंड होमली फील। इस तरह का डेकोर आप भी अपने घरों में ट्राई कर सकते हैं और अपने घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बाकी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फाउंड दीज टिप्स हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।